नमस्कार। आज हम आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट से पंजीरी बनाना सिखाएंगे। पंजीरी हमने ये सिर्फ गिरी से बनाई है, इसमें ये खरबूजे की गिरी यूज़ करी गई है और इसके लिए हमें बहुत कम चीज़ें चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें एक गिरी चाहिए जो हमने 150 ग्राम ली है और चीनी इसमें इससे आधी यूज़ होती है यानी 75 ग्राम। हमने यहाँ पे पिस्ता कतरन लिया है फॉर द डेकोरेशन ऑनली, जिससे ये अच्छी लगे, थोड़ी सुंदर लगे। और पानी लिया है, चीनी से आधी क्वांटिटी में पानी लिया जाएगा। सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट से ये पंजीरी तैयार करी जाती है। देखिए, हमने जो अभी गिरी ली है इसे हम इस तरीके से भूनना है, इसमें घी नहीं डालना है। इस तरीके से हाई फ्लेम पर ही भूनना है, हल्की। पहले हाई फ्लेम कर देना है, उसके बाद उसको लो कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से चटकने की जो आवाज आ रही है ये पहचान होती है कि गिरी भून रही है। ये देखिए, हमने गिरी को भून लिया। भूनने के बाद ये ऐसी लग रही है। अब हमें इसे मिक्सी में पीसना होगा। इसको पीस के बारीक पाउडर सा बना लीजिए। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है। गिरी को पीसने के बाद ये इस तरीके का पाउडर बन जाएगा। अब हम इसकी चाशनी प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम चाशनी प्रिपेयर कर रहे हैं। चाशनी में हमने जितनी चीनी ली है उससे आधा पानी डलेगा। चाशनी में थोड़ी बहुत ऊपर गंदगी आ जाती है चीनी की वजह से, तो इसे आप करछी से निकाल सकते हैं। पंजीरी बनाने के लिए वैसे अगर आप लोहे की कढ़ाई का यूज करें तो ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई भारी होती है और पंजीरी बनाने के लिए हमें भारी बर्तन की जरूरत पड़ती है। अभी ये चाशनी प्रिपेयर नहीं हुई है, ये हमको अच्छी चिपकने लगे इतनी बनानी है। चाशनी प्रिपेयर हो गई है, ये हमने 2 तार की चाशनी तैयार करी है। अब इसमें हम ये पिसी हुई गिरी डाल देंगे। इसको इस तरीके से चलाना है। चल रही है तब तक हमने ये देखिए प्लेट पे घी लगा लिया है और इसी में अब इसे हम डाल देंगे। आपका मटेरियल उस हिसाब से बर्तन ले सकते हैं, छोटा या बड़ा।
उसके ऊपर हम पिस्ता कतरन जो हमने ली थी वो भी रख देंगे। और इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इसको जमने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट बाद ये आपकी सेट हो जाती है, फिर आप उसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये देखिए, ये हमने थोड़ी सी प्रिपेयर करी थी एक्चुअली, पहले से हमने बनाई थी, तो ये देखिए इस तरीके का लुक आता है, इस तरीके का ये लुक आता है। ये आप बनाइए, ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगती है गिरी की पंजीरी। जन्माष्टमी पे जरूर बना के देखिएगा।